हूँ सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे नाला सुपारा ईस्ट के इलाके विजयनगर से एक हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक 25 से 30 साल पुरानी चौल की छत गिर जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है लाइन से जितनी भी चौल है, एक मंजिला दो मंजिला चौल पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और स्थानीय नेता वहां पर पहुंचे और जगह का जायजा लिया गया। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस पूरी चौल को खाली कराने की जिम्मेदारी ली गई है ताकि आगे कोई भी बड़ा हादसा ना हो पाए। छत गिरने के बाद काफी लोग घर के अंदर फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। इस मामले में सह आयुक्त विभाग डी की विशाखा मोटगरे ने वहां का हालात का जायजा लिया और पूरा इलाका जो जर्जर अवस्था में है उसे खाली कराने की जिम्मेदारी ली है। अभी आधे घंटे पहले ही मिली है मुझे, आने के बाद फिर तुरंत यहाँ पे अपने जो ये है देशमुख साहब, इन्होंने मुझे कॉल करके बताया। फिर उसके बाद मैं यहाँ तुरंत आई और लोगों को भी हमारे सूचित किए। नहीं, हताहत कुछ भी नहीं, पहले सब खाली करना रूम्स, ये हमारी प्रायोरिटी है। कितने लोग, कितने परिवार हैं आप, कहाँ पर गिरा? 21 रूम है, पहले उनको खाली करेंगे, उसके बाद उनका जो भी है वो ये करेंगे। पहले खाली करना ये प्रायोरिटी है हमारी। जी अभी पता चला है तो इसके बाद हम कार्रवाई करेंगे उस पर। मैं मेरे ऑफिस में बैठा था तो यहाँ के जो मुन्ना तुमड़ा करके हमारे युवा अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसी कोई बालकनी गिर गई है और लोग फंसे हुए। तो मैंने तुरंत हमारे फायर ब्रिगेड पालो साहब, जो हमारे चीफ फायर ऑफिसर, उनको कॉल किया और नाला सपरा वेस्ट में हमारा फायर ब्रिगेड का ऑफिसर, उनको कॉल किया और मैं यहाँ तुरंत कार्यकर्ता के साथ आ गया। मेरे साथ माजी नगर सेवक परेश पाटिल भी थे, हम दोनों यहाँ पहुँच गए और आते ही तुरंत हमने अपने जो तुलिंग के पीआई है राजेंद्र कामले सर, उनको ही फ़ोन किया और हमारे मुदगरे मैडम जो सहायक, उनको फ़ोन किया। तीनों लोगों से मुझे क्विक रिस्पांस मिला और तीनों ही लोग तुरंत 10 मिनट के अंदर में साइट पे पहुंच गए।